इस सृष्टि में जब कोई आत्मा मानव योनि में स्थूल शरीर धारण करके जब कोई मानव आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर आकर जब अपने शरीर का विज्ञान की तलाश जब कोई मानव करता है, तो मानव को अपने जीवन का चार बंटवारा, चार हिस्सा में, चार स्टेप में उनको आंतरिक विचारधारा से देखने को मिलेगा। लेकिन ये बंटवारा आंतरिक विचारधारा से ही सोचना पड़ेगा। वो इसमें सबसे पहले उनको कर्म की गति के बारे में उनकी विचारधारा चलेगी कि कर्म के अधीन ही, पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अधीन ही मानव का जन्म मानव को उपलब्ध होता है। उनको कर्म की गति उनको समझ में आ जाएगी। ये कर्म की गति के बारे में उनकी थोड़ी विचारधारा चलेगी। बाद में थोड़ा और गहराई में अंदर उतरेगा तो उनको दूसरा बंटवारा विचारधारा का भी देखने को मिलेगा। ये विचारधारा से ही जगत का बंधारण हुआ है, ऐसा उनको एहसास होगा। बाद में और थोड़ी ज़्यादा गहराई में जाएगा तो उनको भाव का, प्रेम का, लागणी का, बंधन वाला, भक्ति भाव वाला, प्रेम भाव वाली विचारधारा को देखने को मिलेगी। बाद में भी और गहराई में हम उतरेंगे तो वहाँ सिर्फ हमको साक्षत्व भाव का, साक्षी भाव का ही पदार्थ हमारे सामने देखने को मिलता है, जो हमारे मानव जीवन का, आध्यात्मिक क्षेत्र का अंतिम पड़ाव, लक्ष्य भी कहा जावे और अंतिम केंद्र बिंदु भक्ति भाव का भी कहा जावे। हमारा स्वभाव साक्षी हो जाता है, साक्षीत्व के ऊपर कोई भी गया है और जाकर वो साक्षीत्व के पद पर जो बैठ गया है वही परमात्मा पद प्राप्त हो जाता है। साक्षी का भी साक्षी होना असंभव है, जैसा लगता है साक्षी भाव के पद पर पहुंचने पर ही हमारी बुनियाद खड़ी हो जाती है, वहीं से हमारी सही तरीके से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। वही साक्षी की बुनियाद पर हमारा विचार निर्विचार हो जाता है, हमारा कर्म अकर्म हो जाता है। यही कारण से भक्ति के लिए तीन योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये तीनों योग भक्ति का ही, ध्यान का ही स्टेप है। कर्म योग यानी कि कर्म प्लस ध्यान से सीधे ही कर्म से साक्षी पर जाने का राह है। ध्यान को राजमार्ग भी कहा जाएगा और साक्षीत्व उनकी मंजिल कहा जाएगा। ध्यान की पूर्णता ही साक्षित्व है। जो मानव विचार के साथ ध्यान को जोड़ता है, ध्यान से ही दोनों जगत को जोड़ता है, तब विचार प्लस ध्यान की स्थिति एक बन जाती है। वहाँ से उनकी साक्षित्व की, साक्षी की यात्रा शुरू हो जाती है। इसको ही ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग कहा जावे। जो मानव भाव के साथ, प्रेम के साथ, लागणी के साथ ध्यान को जोड़ता है, वहाँ उनका प्रेम भाव, लागणी, ध्यान, ये चारों का गठबंधन होकर वो साक्षीत्व की तरफ उनका प्रयाण शुरू हो जाता है। उनको ही भक्ति योग कहा जाता है।
ये तीनों मार्ग का आखिरी लक्ष्य तो साक्षित्व ही है, इसलिए तीनों योग की मंजिल साक्षित्व की तरफ, अंतिम लक्ष्य की तरफ हो जाती है और मानव साक्षित्व के ऊपर जाकर परमात्मा पद पर बैठ जाते हैं। उनको ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा पद का नाम है, परमात्मा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। लेकिन हमने परमात्मा को पद की जगह व्यक्ति को चुन लिया है। हम मानव, पूरी मानव जात ने, वहाँ ही पूरे मानव जात में मानसिकता में थोड़ी गुचवण उभी हुई है। ये चीज को हम मानवों को जानने की बहुत ज़रूरियात है कि परमात्मा कोई पद का नाम है कि परमात्मा नामी कोई व्यक्ति है। परमात्मा एक पद का नाम है। हर कोई मानव इस जन्म, मानव योनि में जन्म लेकर आते हैं तो हर कोई मानव को परमात्मा पद का अधिकार ये प्रकृति ने दिया है। लेकिन परमात्मा पद पर बैठने के लिए उनको परमात्मा पद तक का अभ्यास करना पड़ता है, तब वो परमात्मा पद पर बैठ पाएगा। जैसे कि एक कलेक्टर का पद होता है, कलेक्टर व्यक्ति नहीं होती है, कलेक्टर का पद होता है। जो कलेक्टर पद पर विराजमान होता है वो कलेक्टर कहा जाता है। लेकिन कलेक्टर पद पर बैठने का कानून ने सभी को अधिकार दिया है, सभी मानव जात को अधिकार दिया है, सभी समाज को, अमीर गरीब सभी समाज नाच जात को अधिकार दिया है। लेकिन कलेक्टर पद के ऊपर बैठने के लिए हमको कलेक्टर पद के तक का अभ्यास करेंगे तो ही हम कलेक्टर पद पर बैठ पाएंगे, नहीं तो कलेक्टर पद पर बैठने का कोई संभवता नहीं है। बस बिल्कुल इसी तरह ये परमात्मा पद का नाम है। जो परमात्मा पद तक का जो अभ्यास करता है वो अभ्यास की थियरी योग क्रिया है, भक्तिमय जीवन है। योग क्रिया के मार्फत से कोई परमात्मा पद तक का अभ्यास करेगा, साक्षित्व के ऊपर जाएगा तो प्रकृति उनको परमात्मा के पद के ऊपर जरूर बिठा देती है, इसमें कोई शक रहता ही नहीं है। ये परमात्मा एक पद का नाम है, व्यक्ति नहीं है परमात्मा नाम की। यहाँ ही सारी गुस्वण मेरे ख्याल से आध्यात्मिक क्षेत्र में खड़ी हुई है। आध्यात्मिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्तित्व के अधीन आध्यात्मिक क्षेत्र है। किसके अधीन? व्यक्तित्व के अधीन आध्यात्मिक क्षेत्र है। लेकिन हम मानवों ने व्यक्ति के आधारित आध्यात्मिक क्षेत्र खड़ा कर दिया है। ये दोनों के व्याख्या में बहुत तफावत है। व्यक्तित्व और व्यक्ति दोनों की व्याख्या में बहुत तफावत है। जो आध्यात्मिक क्षेत्र व्यक्तित्व के अधीन आध्यात्मिक क्षेत्र है वो हम मानवों ने व्यक्ति के अधीन कर दिया है। यहाँ बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है, यहाँ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत गुचवण पैदा हो गई है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र को जानने के लिए पहले आध्यात्मिक क्षेत्र किसको कहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ शब्दों ऐसा है जो संस्कृत शब्दों है, जो हमारी आज वर्तमान की भाषा में वही शब्दों चला आया है। जैसे कि भक्ति शब्द है, आत्मा शब्द है, आध्यात्मिक क्षेत्र है। इस सभी शब्दों को हम जो व्याख्या उनकी समझेंगे ना, तो समझो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र 50% का ज्ञान हमको हो ही गया है कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ कौन से राजमार्ग पर हमको चलना है और कौन से राजमार्ग पर हम चल रहे हैं।
सारी बातें तुरंत हमको समझ में आ जाती है, लेकिन ये शब्दों समझना पहले बहुत ज़रूरी है, उनकी व्याख्या समझना बहुत ज़रूरी है। यही आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए हमको इसके बारे में मनन मंथन अवश्य करना चाहिए हम सभी को।